हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपिंदर चौहान। रात के बज रहे हैं 3 और मैं बना रहा हूँ वीडियो। एक्चुअली कॉल्स इतनी रहती हैं, पूरे दिन इतनी कॉल्स रहती हैं कि शेड्यूल टाइट रहता है, 6, 7, 8, 10, 12 कभी भी कितनी भी कॉल्स रहती हैं, तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी फ्री था तो मैं कहा चलो वीडियो बना लेते हैं। चलो आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम सीधा बात करते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम जो है ना वो है नॉलेज। अब मुझे है, किसी को नहीं है। अब जिसको नहीं है वो फंस जाता है, ठीक है कि नहीं। अब वो फंस जाएगा क्योंकि उसको एक्चुअली प्रोसेस की नॉलेज नहीं है और पूरा प्रोसेस कोई बताता भी नहीं है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, तो जिससे आपको अगर कोई कुछ बताता है माल्टा के वीज़ा के बारे में तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये फेक है, ये नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस है ही नहीं। तो अभी जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी एक लड़के का मेरे पास 4 दिन पहले बिहार से फ़ोन आया था, साजिद आलम, पता नहीं क्या नाम था उसका। उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा कि सर मेरे से 20,000 रुपये ले दिए हैं ऐसे ऐसे करके, और मुझे कुछ पैसों का इंतजाम करने को कहा है, और कह रहा है कि 3 दिन बाद आपकी हम फ्लाइट करा देंगे माल्टे की। मैं कहा अच्छा जी, कैसे करा देंगे भाई साहब? अब ये तो सबको पता है कि सब कुछ बंद है, फिर भी लोग अपना दिमाग नहीं लगे। कम से कम जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, कम से कम वो आइडेंटिटी में मेल तो आप कर सकते हो, वो आपको वेरीफाई कर देंगे, पर नहीं, अपना दिमाग लगाना नहीं है। अच्छा, उसकी होशियारी देखो लड़के, गलत नहीं मैं कह रहा हूँ, पर मैं उस लड़के को उसके ज़रिए आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। उसने क्या किया कि मुझे 7-8 दिन पहले फ़ोन किया कि सर मेरे पास ऐसे ऐसे माल्टा का ऑफर लेटर आया है, आप चेक कर देंगे? मैं कहा ऐसा है, मेरा शेड्यूल टाइट है, तो मैं आपको 1 दिन बाद का स्लॉट देता हूँ, 12:30 बजे का। हम उस दिन वीडियो कॉल करेंगे, हम बात कर लेंगे, तो आप मेरी फ़ीस है उसमें, अब जो भी है आप 250 रुपये फीस है, हम उसमें सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे, आपको मैं क्लियर कर दूँगा। उसने सोचा ले सर को तो 250 रुपये देने पड़ जाएंगे। नहीं 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 250 थोड़ा थोड़ा देने हमने, कोई बात नहीं। उसको 2 दिन बाद फ़ोन आया कि हाँ जी आपका हो गया जी, आप ज़रा 20,000 रुपये, 15,000 रुपये डिपॉजिट कराइए। लड़के ने 15,000 डिपॉजिट करा दिया। फिर उसको थोड़ा शक हुआ, उसने थोड़ा पूछा देखा कुछ, उसे शक हुआ, फिर उसने मुझे फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे हो गया। फिर मैंने उसे समझाया कि भाई जब मैं आपको पहले कह रहा था बात पैसे की नहीं है, आप मुझे ऑफ़र लेटर तो भेजते, मैं ऑफ़र लेटर देख के बता देता आपको। अब उसने पता नहीं ऑफ़र लेटर इसलिए नहीं भेजा कि पता नहीं सर, पता नहीं अब इसमें क्या कर देंगे ना, कि पता नहीं मैं जहाज़ कोई रस्सियाँ बांध लूँगा, उसे जाने नहीं दूँगा। अरे मेरे न बोलने या नहीं बोलने से कुछ नहीं होता। आपको अगर आप जेन्युइन, कोई भी जेन्युइन कुछ भी जेन्युइन आप उसको फॉलो करोगे तो वो सही होगा ना। आप अगर उसको फॉलो ही नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो ज़्यादा टाइम अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको एक्चुअल प्रोसेस पता लग जाएगा माल्टा वर्क परमिट का क्या है, उसके बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी के पास कोई लड़का अपना गल्फ में है, दुबई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, वो मुझे कांटेक्ट करे, मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं उनको बता सकता हूँ, उनकी हेल्प कर सकता हूँ। चलो अब आते हैं हम वीडियो पे। अब माल्टा का आपने समझो ऑनलाइन फ्री पेड कुछ भी अप्लाई किया है ना, जब आपने फ्री या पेड अप्लाई किया तो वो आपका इंटरव्यू लेंगे, स्काइप आईडी पे आपका इंटरव्यू होना है, चाहे आप फ्री में जाओ या आप पेड में जाओ। वो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती होगी तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। बिना इंटरव्यू के अगर आपकी कोई जॉब लगवा रहा है तो वो फेक है, इंटरव्यू तो होना ही है, उसमें 99% चांस है कि इंटरव्यू होना ही है, ठीक है जी। अब आपका इंटरव्यू हो गया जी, इंटरव्यू होने के बाद क्या होता है जी, आपको कंपनी भेजती है एक मेल जिसमें ऑफर लेटर होता है। कुछ कंपनियां 280 यूरोज ही लेती हैं, कुछ कंपनियां 280 यूरोज भी लेती हैं और 250 यूरोज अपने सर्विस चार्ज भी लेती हैं, कुछ कंपनियां कुछ ज़्यादा भी चार्ज करती हैं, वो वेरी करता है रिक्रूटमेंट एजेंसी टू एजेंसी। माल्टा की बात कर रहा हूँ, माल्टा की एजेंसियों की बात कर रहे हैं। अब जब आपने वो फीस पे कर दी, फीस पे करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं, वो आपको साइन करके वापस भेजना पड़ता है। जब आप उनको साइन करके वापस भेजते हैं, आपको अपने पासपोर्ट की सारे पेजेस की स्कैन फोटोज भेजनी पड़ती हैं। एक 3.5-4.5 डायमेंशन की आपको लाइट फोटो भेजनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आपको भेजते हैं C1 फॉर्म और C5 फॉर्म, वो आपको भर के उनको वापस भेजना पड़ता है स्कैन करके। जब आपने भर के स्कैन करके उनको वापस भेज दिया, वो फिर फॉर्म को टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद वो आपको भेजेंगे। जब वो आपको टाइप करने के बाद भेजेंगे तो
आपको उसको चेक करना है कि वो ठीक है कि नहीं है। अगर वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, तो आपको उनको दोबारा भेज देना है। जब आप वो फॉर्म उनको फिर से दोबारा भेज देंगे तो वो आपकी जो फाइल है वो सबमिट कर देंगे आइडेंटिटी माल्टा में। जैसे ही वो आइडेंटिटी माल्टा की फीस पे करेंगे 280.50 तो आपके पास एक आएगा मेल सीधा डायरेक्ट, वो कोई आइडेंटिटी माल्टा रिक्रूटमेंट एजेंसी से या उससे वो कैंडिडेट से ही बात करेगी। अब जैसे ही वो आपको मेल डालेगी उसमें एक रेफरेंस नंबर होगा कि योर फाइल इज सबमिटेड और आपका रेफरेंस नंबर ये है। रेफरेंस नंबर मिलने के बाद आप आइडेंटिटी का टाइम है 4 से 8 हफ्ते के अंदर वो आपको अप्रूवल दे देती है। जब आपके पास अप्रूवल आ गया, आपको अप्रूवल लेके एक साइंड एग्रीमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, अगर CVO अप्रूवल मैंडेटरी होगी नहीं होगी वो टाइम पे वेरी करेगा ना कि उस टाइम वो अब ज़रूरी है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस हो गया आपका, आपकी आइटनरी होगी, आपका साइंड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपका CVO अप्रूवल हो गई और पासपोर्ट हो गया और डॉक्यूमेंट्स लेके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है आप चेकलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट आपको जाके VFS में कराने हैं जमा। जब आप उसे VFS में जमा करा देंगे आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी, उसके 7 दिन 8 दिन 10 दिन बाद आप उसे कलेक्ट भी कर सकते हैं, वो आपको बाय पोस्ट भी मिल सकता है। तो ये है असली प्रोसेस, ये ऐसे काम होता है। कोई आपको कह रहा है कि नहीं नहीं सर बिना इंग्लिश के जी कोई बात नहीं चक लेंगे ये हो जाएगा, नहीं होगा सर, वो आपको झूठ बोल रहा है। दूसरा, कोई आपका इंटरव्यू नहीं करा रहा तो भी वो झूठ बोल रहा है। तीसरा, वो आपको कोई एग्रीमेंट देता है, कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी कोई एग्रीमेंट देती है या कोई आपको एजेंट देता है, आप सीधा आइडेंटिटी से वेरीफाई करो ना, मेल ईमेल आईडी गूगल में जाके आप लिखो, आप वेरीफाई कर लो उनसे, बात खत्म हो गई, ठीक है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपके साथ कभी गलत नहीं होएगा, ठीक है कि नहीं। और बेमतलब में आपको, अगर आपको जॉब ढूंढनी है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ जॉब ढूंढनी है तो राइट वे फॉलो करिए, ठीक है। ऐसे बेवकूफ़ों की तरह CV पे CV बेवकूफ़ हम बन जाते हैं, हमें लोग बना रहे हैं और हम बन जाते हैं। हम क्यों बने बेवकूफ़? हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास सब कुछ है, हमें बेवकूफ़ बनने की क्या ज़रूरत है? हमें कैसे बना देगा? अगर आपको कोई कुछ देगा आप उसे वेरीफाई करें, आप आइडेंटिटी से वेरीफाई करें, आप उन चीज़ों से वेरीफाई कर लीजिए ना उनको, तो वो चीज़ें कभी होंगी ही नहीं। आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता जब तक आप ना बनना चाहें। तो जैसे ही आपके पास सारी चीज़ें आती हैं आप वेरीफाई कर लीजिए। और मैं कोई किसी की बातों में आके CV पे CV डाल रहे हो और फोकस बना रहे हो, देखो लोगों के साथ होता है फ्रॉड और बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है कि नहीं। लोगों के UK में 5-5 घर हैं पर जो आपका एक आधा घर है ना यहाँ इंडिया में वो बकवा देंगे वो, ठीक है कि नहीं। तो राइट वे फॉलो करिए और किसी को कोई क्वेश्चन है मेल करो, मुझे मेल करो, मैं विद इन अ 1 डे आंसर दूंगा। हाँ अगर कोई जनरल क्वेश्चन हो गए, छोटा मोटा क्वेश्चन होगा, मैं वैसे ही सॉर्ट कर दूंगा। अगर आपको डिटेल में बात करनी है तो मैं आपको एक स्लॉट दूंगा, उस स्लॉट में मैं आपको स्काइप आईडी पे या वीडियो कॉल करूंगा, उसमें हम बात करेंगे। उसकी मेरी फीस रहती है 250 रुपीज़, ठीक है कि नहीं। तो आपको किसी को 20,000-50,000 देने से अच्छा है कि सही नॉलेज लेके अप्लाई करिए। और इस टाइम अभी प्रॉब्लमेटिक है चीज़ें, थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं हर जगह। अभी कोविशील्ड को लेके भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, केसेस को लेके भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अभी स्टूडेंट वीज़ा की पूरा था कि स्टूडेंट वीज़ा ओपन होने वाला है, अभी कुछ पता नहीं है। बट तब भी आप किसी भी चीज़ को फॉलो करने से पहले अपनी कैटेगरी चूज़ करिए कि मुझे किस कैटेगरी में जाना है, मुझे वर्क में जाना है, मुझे फ्री में जाना है, मुझे पेड वाले में जाना है या मुझे स्टूडेंट में जाना है। अगर अभी जो है वो स्टूडेंट वीज़ा बेस्ट ऑप्शन है इस टाइम। अभी आगे वैकेंसीज वहाँ हैं बट इंडिया से फाइलें अभी थोड़ी होल्ड पे रखी हुई हैं, जिस दिन वो शुरू हो जाएंगी तो वो भी ऑप्शन अच्छा हो जाएगा, बट इस टाइम स्टूडेंट है। और कोई गल्फ में बैठा है वो मुझसे कॉन्टेक्ट करे, मैं उनको बता दूंगा। दूसरा, किसी को कोई भी क्वेश्चन है, मेरी ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, उस पर जाके अपना नाम लिखिए, अपना क्वेश्चन लिखिए और अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए। अगर आपका क्वेश्चन जनरल होगा, सिंपल होगा, तो मैं आपको मेल में ही आंसर कर दूंगा। अगर आपको डिटेल में बात करनी होगी तो मैं आपको कॉल करूंगा और फिर हम बात कर लेंगे। तो ये तो थी आज की वीडियो और थैंक यू, आपने पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया, मैंने सोचा नहीं था मुझे इतना प्यार मिलेगा, बट बहुत खुशी हुई आप लोगों की और मैं आप लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और बाकी आपकी आगे मर्जी है, आप बढ़ाते जाइए, किसी गरीब का पैसा ना मरे,
किसी गरीब को बच सकता है कोई गरीब, गरीब अमीर की बात नहीं है, बात है अपने दिमाग यूज़ करने की। अपना दिमाग यूज़ करिए, गरीब अमीर ये सब चीज़ें अलग है। आदमी को कुछ करना है तो स्ट्रगल तो लाइफ में करना पड़ेगा, गरीब अमीर वो अलग बातें हैं सारी चीज़ें, ठीक है कि नहीं। गरीब अगर सिचुएशन है, एक आदमी मेहनत करता है वो सिचुएशन चेंज हो जाती है। ये गरीबी वाली या अमीरी वाली सिचुएशन कभी हमेशा एक आदमी के साथ नहीं चलती है। तो आप राइट चीज़ों को फॉलो करिए, और कोई बात है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे बेझिझक पूछिए, मैं आपको विद इन अ डे आंसर करूँगा। थैंक यू।